हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास सीरीज़ और आज के इस वीडियो में जो हम हमारे लेवरेज की प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पर दिख रही है तो चलिए एक बार उसे एनालिसिस कर लेते हैं उसको एनालाइज कर लेते हैं गिवन ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स थ्री ठीक है ऑपरेटिंग लेवरेज थ्री टाइम्स दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है और इन्फॉर्मेशन दिया है कि सेल्स इज इक्वल्स टू ट्वेंटी लैक्स वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फोर्टीन लैक्स और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है फाइंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोले तो क्या होता है ई बी आई टी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इज इक्वल्स टू ई बी आई टी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिस बोथ आर सेम टर्म ओके ये एक दूसरे को एक ही नाम से जाने जाते हैं ओके okay? हमें बेसिकली ई बी आई टी फाइंड आउट करना है जो कि क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है अब हमें सोल्यूशन में जाना है सोल्यूशन में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जो इसका फॉर्मेट है ना इनकम स्टेटमेंट का आप उसे एक बार देखिए पहले सेल्स आ जाएगा फिर उसमें लेस वेरिएबल कॉस्ट होगा फिर उसका आउटकम कॉन्ट्रीब्यूशन होगा फिर उसमें से अपन फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे लेकिन क्वेश्चन के अंदर फिक्स कॉस्ट नहीं दिया हुआ है उससे हमें फाइंड आउट करना है राइट right? तो सबसे पहले हम फिक्स कॉस्ट आई मीन फिक्स कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिक्स कॉस्ट इक्वल्स कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस ई बी आई टी यहाँ पर हमें ना तो फिक्स कॉस्ट पता है ना ही अभी कॉन्ट्रीब्यूशन पता है और ना ही ई बी आई टी पता है हम इस फॉर्मूले में वापस आएंगे एक बार मैं आपको नीचे पहले इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करके बता देता हूँ उसके अंदर हमें जो जो अमाउंट्स मिलेगी वैल्यूज मिलेगी हम यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे फिर बाद में हम फिक्स कॉस्ट को फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है हम यहाँ पर लिखते हैं पहले इनकम स्टेटमेंट Showing the calculation of ई बी आई टी सॉरी कर्से में लिख दिया ओके ई बी आई टी अपन कैलकुलेट करें क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पर मेन्शन करा हुआ है uh, वहाँ तक स्टॉप करेंगे तो हमें ई बी आई टी की सारी वैल्यूज मिल जाएगी ठीक है यहाँ पर होने के बाद हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स और इधर आ जाएगा आपका अमाउंट ठीक है यह आपका हो गया फॉर्मेट अब सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स आप लाइन्स ड्रा कर ले पे, मैं लाइन्स ड्रा नहीं करूँगा सेल्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है आप स्क्रीन पर देखें ट्वेंटी लैक्स राइट ट्वेंटी लैक्स ऑलरेडी जो इसकी वैल्यू है सेल्स की वो दी हुई है साथ में लेस वेरिएबल कॉस्ट होगा इसके बाद जिसका फॉर्मेट है वो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे फॉमूलास भी डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं और डिटेली मैंने एक्सप्लेन करा है अब क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट हो रहा है आ, सेल्स में से माइनस कितना है वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी मेंशन है अमाउंट दिया हुआ है फोर्टीन लाख रुपीस ठीक है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया ट्वेंटी लैक्स माइनस फोर्टीन लैक्स सिक्स लैक्स ये कॉन्ट्रीब्यूशन सिक्स लैक्स मिल गया तो कॉन्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ पर लिख लेंगे सिक्स लैक्स राइट एक वैल्यू तो हमें मिल गई ई बी आई टी की वैल्यू चाहिए भी हमको ठीक है क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है राइट right? अब कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद में फिक्स कॉस्ट लेस होता है नेक्स्ट स्टेप ये है इसका लेकिन हमें तो फिक्स कॉस्ट की वैल्यू पता ही नहीं है है ना तो अब हम चलते एक और स्टेप की कैलकुलेशन में वो होगी ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला मैं बताता हूँ आप पहले फॉर्मूला लिखे ऑपरेटिंग लेवरेज का ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी आई टी ठीक है तो ऑपरेटिंग लेवरेज एक बार क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन uh, में क्या बता रहा है गिवन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स थ्री टाइम्स तो ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है थ्री इक्वल्स कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन अपने फाइंड आउट कर लिया ना सिक्स लैक्स तो यहाँ पर सिक्स लैक्स लिख दो और इधर ई बी आई टी लिख दो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो थ्री ई बी आई टी इक्वल्स टू सिक्स लैक्स शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिख रहा हूं ताकि वीडियो का टाइम से बी आई टी इज इक्वल्स टू सिक्स लैक्स डिवाइडेड बाय थ्री कितना होगा थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स टू लैक्स ठीक है यह आपका हो गया ई बी आई टी ई बी आई टी तो हमने फाइंड आउट कर लिया अब यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं सबसे पहले हम हमारे फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं ई बी आई टी माइनस आई मीन सॉरी कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस ई बी आई टी है ना कॉन्ट्रीब्यूशन सिक्स लैक्स हो गया और ई बी आई टी हमें कितना मिला टू लैक्स मिला राइट तो टू लैक्स को यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दो टू लैक्स और ये हो गया अपना फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट बोलो क्या है फोर लैक्स रुपीज ठीक है अब यह जो ई बी आई टी आई मीन टू लैक्स आया है ना इसको वेरीफाई करना है हमें कि मतलब ये करेक्ट है कि रॉन्ग है तो वेरीफाई करने के लिए आपको कोई दूसरा स्टेप्स नहीं करना है जो हम इनकम uh, स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर ही हम सब्सिट्यूट कर देंगे हमें आंसर मिल जाएगा जैसे फिक्स कॉस्ट हमें फ़ोर लाख रुपीज़ आया राइट तो फोर लाख इधर सब्सिट्यूट कर दो हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट गिव राइज टू ई बी आई टी ठीक है सो सिक्स लैक्स माइनस फोर लैक्स टू लैक्स अपना आंसर करेक्ट है ये रहा ई बी आई टी टू लैक्स ठीक है और यहाँ पर भी टू लैक्स हमें फाइंड आउट मिला फाइंड आउट हुआ और फिक्स कॉस्ट यहाँ पर फोर लैक्स हुआ तो ये भी वैल्यू करेक्ट ही है क्योंकि वेरीफाई हो चुकी है ई बी आई टी टू लैक्स आ रहा है ठीक है अब क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देर फोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इजिकल्स टू क्या होगा स्टार्टिंग में देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इजिकल्स टू ई बी आई टी EBIT क्या है टू लैक्स EBIT क्या है टू लैक्स देर फो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज to टू ई बी आई टी इज इक्वल्स टू टू लैक्स ये है इस क्वेश्चन का जवाब आंसर ओके okay?